खगड़िया मुख्य मार्ग पर आए दिन कोल परिवहन में लगे वाहनों से जाम लग रहा है। इस जाम में फंसकर जहां लोग घंटों परेशान हो रहे हैं, वहीं दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। जाम के दौरान मौके पर पुलिस नदारद रहती है। दरअसल एनसेल बिना खड़िया दूधीचुआ खदान क्षेत्र के कोलियात में जाने के लिए कोल परिवहन करने वाले ट्रेलर हाईवा को शक्तिनगर खड़िया मुख्य सड़क से ही होकर जाना पड़ता है। जाम लगातार ही 2 से 3 घंटे जाम लग रहा है। मुख्य सड़क पर कम जगह होने के कारण कोयला भरकर निकलने वाले हाईवा सहित अन्य छोटे बड़े वाहन जब आमने सामने आ जाते हैं, जहां लगातार 2 से 3 घंटे सड़क पर जाम लग जाता है। जाम के बीच में एम्बुलेंस सहित अन्य छोटे बड़े वाहन घंटों फंसे रहते हैं। खड़िया मुख्य मार्ग पर अब रोजाना ही जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। कोल परिवहन में लगे वाहनों के कारण सड़कों पर कीचड़ जमा हो गए हैं। इससे दो पहिया चालक अक्सर फिसल कर घायल हो जाते हैं, तो वहीं अब तक न जाने कितने लोगों की सड़क दुर्घटना में जान भी जा चुकी है। कुछ ही दूरी पर शक्तिनगर थाने भी है, लेकिन कोई पुलिसकर्मी इस बीच मौजूद नहीं रहते हैं, जिससे लोगों की समस्याएं और भी बढ़ जाया करती हैं। सिंगरौली से राजू दुबे की रिपोर्ट।